दोस्तों, ये वीडियो मैंने आकाशवाणी न्यूज़, बीबीसी न्यूज़, राजस्थान पत्रिका और इंटरनेट, इन सब की मदद से मैंने तैयार किया है। आप देखते रहिए। हाँ मित्रों, तो देखिए, अब करंट जीके जो है लगभग अगस्त का, वो इस वीडियो में आपको कवर करवाएंगे। मैंने अभी एक दो वीडियो डाले थे, जैसे राजस्थान के वो जो वन्य जीव है जिला वाइज, और एक वो नदियां हैं, एक वो चित्रकला है। तो हालांकि व्यूज़ तो मेरे भी कम ही है, 200 के करीब है, मगर फिर भी मुझे खुशी है कि 200 लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है। कुछ के फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि आपके वीडियो अच्छे लगे, फार्मूलों से याद हो गए, आपके राजस्थानी मारवाड़ी फार्मूले बेस्ट है, तो आप और भी वीडियो अपलोड करें। तो अब देखिए, करंट जीके जो है आप लोगों को अपन रिवीजन करवाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहलवान बजरंग पूनिया, तो इसने 18वें एशियाई खेलों में जकार्ता में पहले दिन भारत का पहला गोल्ड जीता है। 65 वर्ग के ये फ्री स्टाइल कुश्ती के पहलवान बजरंग, तो आप याद रखें। ये आप देखिए, पहले आपको मैं एशियाई खेलों के बारे में अपन बात करते हैं। 18वें एशियाई खेल, तो ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जकार्ता में प्रारंभ हुए हैं। ये खेल 1991 में पहले दिल्ली में हुए थे, और भारत 36 खेलों में भाग लेगा। ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक प्रतियोगिता में शामिल रहेंगे, है। तो आप याद रखें, 18वें एशियाई खेल कहाँ हुए, कहाँ हो रहे हैं, जकार्ता में, जकार्ता में। और ध्वजवाहक कौन बने, नीरज चोपड़ा। तो इसी खेल में बजरंग पूनिया ने पहलवानी में स्वर्ण पदक जीता है, पहला। तो आप याद रखें, पहलवानी में पहला, और बजरंग बली है अपने, तो वो पहलवान है ना, तो बजरंग पूनिया जो है, इन्होंने पहलवानी में गोल्ड जीता है। दूसरी हम बात करते हैं मॉरिशस में पाणिनी भाषा सेंटर। मॉरिशस जो देश है, उसमें भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए पाणिनी केंद्र खुला है। पाणिनी आपको ध्यान में होगा, व्याकरण थे ये, इन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी 5वीं छठी ईस्वी पूर्व में, तो ये बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, तो इनके नाम से मॉरिशस में खुला है। अगला है आयुष्मान भारत योजना। ये क्या है, देखो नाम से पता चलता ना, हम किसी को कहते हैं आयुष्मान भव, यानी आयु बढ़ाने वाले। तो ये जो योजना है, इसमें 10 करोड़ गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। अगली योजना है उजाला योजना। इसमें आप देखिए, उजाला, उजाला मतलब लाइट, तो लाइट किससे होगी, बल्ब से, और आजकल बल्ब कौन से चल रहे हैं, एलईडी। तो एलईडी बल्ब वितरण की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। ईरान व अमेरिका, ईरान जो देश आप देख रहे हैं, और अमेरिका के बीच में 2015 में ईरान के एक परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक समझौता हुआ था। इसमें यह बात हुई थी कि ईरान जो है वो ईंधन तो लेगा, परंतु उसका उपयोग बम बनाने में नहीं, बल्कि बिजली बनाने में करेगा। परंतु अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप, उनको लग रहा है कि ईरान जो उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो उन्होंने अगस्त में, अमेरिका ने, यूएसए ने ईरान पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस प्रतिबंध से डॉलर का प्रयोग ईरान में नहीं हो सकेगा, और जो कंपनी ईरान के साथ व्यापार करेगी, वो अमेरिका के साथ व्यापार नहीं कर सकेगी। आर के धवन, ये वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, आर के धवन, इनका निधन हो गया अगस्त में। श्रीमती इंदिरा गांधी के ये नज़दीकी रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। छत्तीसगढ़ और नक्सलवाद, देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सल से प्रभावित है, यहाँ के सीएम रमन सिंह है। आप मारवाड़ में याद रख सकते हैं कि छत पर रमय, छात पर रमय, तो छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह। और नक्सल प्रभावित यहाँ सुकमा जिला छत्तीसगढ़ में है। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था, कंपटीशन में, कि सुकमा जिला कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। रमन सिंह ने 2022 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर देने की घोषणा की है। ये 2022 जो है, मोदी जी भी कई योजनाओं में चुनते हैं, इसके पीछे वजह यह है कि 2022 तक भारत की आज़ादी को 75 ईयर्स, 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। कनाडा और सऊदी अरब में तनाव बढ़ गया है। वह सऊदी अरब में तनाव की स्थिति है, उन्होंने अपने अपने राजदूत अपने देश में बुला लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
करुणानिधि का निधन। एम करुणानिधि, चेन्नई में इनका निधन हो गया। 94 वर्ष की इनकी उम्र थी। ये 5 बार तमिलनाडु के सीएम रहे। ये याद रखने के लिए आप देखिए, करुणानिधि में 5 अक्षर है, तो ये 5 बार जो है तमिलनाडु के सीएम रहे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इनकी पार्टी है, उसके ये चीफ थे। अब इनका बेटा जो है स्टालिन, वो इसका चीफ बनेगा। सुप्रीम कोर्ट में नए न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी आरएस परी में पूछा गया था। 3 नए न्यायाधीश अभी नियुक्त किए गए हैं। 1 नंबर पे है इंदिरा बनर्जी, 2 नंबर पे है विनीत सरन, और 3रे हैं के एम जोसेफ। इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, के एम जोसेफ। तो वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश कार्यरत है। वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत है। एक है इंदिरा बनर्जी, दूसरे हैं आर भानुमति और इंदु मल्होत्रा। 3 महिला न्यायाधीश कार्यरत है, और 3 नए नियुक्त हैं वो अलग है, वो इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, के एम जोसेफ। 2 नंबर पे है आर भानुमति, और 3री महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला न्यायाधीश कार्यरत है, इंदिरा, इंदु और भानुमति, आप इनके नाम याद रखें। जबकि 3 अभी नए नियुक्त हुए ना, वो ऊपर है, इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन और के एम जोसेफ। और कुल महिला की बात करें तो वर्तमान में 3 कार्यरत है, और अब तक कुल की बात करें तो 1950 से अब तक 8 महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में रही है, जिसमें पहली महिला है फातिमा बीबी, 1989 में बनी फातिमा बीबी। उसके बाद में 2 नंबर पे सुजाता वी मनोहर, 3री रूमा पाल, 4थी ज्ञान सुधा मिश्रा, और 5वीं रंजना प्रकाश देसाई, और 3 वर्तमान में है, तो कुल मिला के 8 महिला न्यायाधीश। तो अभी आरएस परी में ऐसे प्रश्न आया था कि जो है हाल ही में इंदिरा बनर्जी की नियुक्ति हुई है, और कौन से महिला जो है वर्तमान में कार्यरत है, उसमें ज्ञान सुधरा मिश्र और आर भानुमति जो ऑप्शन दोनों दिए हुए थे, तो अभ्यर्थी यहाँ कन्फ्यूज हो गए थे। तो आर भानुमति वर्तमान में है, तो आपके ध्यान में रहें। कुल 25 न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा है, 3 नए अभी बनाए गए हैं, इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, के एम जोसेफ, और 3 ही महिला कुल हो गई है वर्तमान में, इंदिरा बनर्जी, आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा। इस सत्र को, सामाजिक न्याय सत्र, पीएम मोदी ने अभी संसद का जो मानसून सत्र चला जुलाई अगस्त में, इसको इन्होंने सामाजिक न्याय का नाम दिया है, क्योंकि इसमें एक SC ST जो अधिकार कानून था उसको पारित किया गया है, युवाओं को रोजगार सत्र का नाम भी दिया गया है। तो आप मुख्यतः याद रखिए, सामाजिक न्याय सत्र, मानसून सत्र। पाकिस्तान के नए पीएम इमरान खान बने हैं, ये पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, और इन्होंने भारत के नवजोत सिंह सिद्धू, कॉमेडियन, सांसद, पूर्व क्रिकेटर को भी अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। हरिवंश नारायण सिंह इंपॉर्टेंट पर्सन है, राज्यसभा के उपसभापति बनाए गए हैं। तो यूपी के बलिया जिले के रहने वाले हरिवंश नारायण सिंह NDA की तरफ से राज्यसभा के सभापति बने हैं, बीजेपी और उसके सपोर्ट पार्टी से। सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार हरिप्रसाद को 125 के मुकाबले 105 वोटों से हराया। सिंह ने पीजे कुरियन का स्थान लिया है। तो हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति बन गए हैं, पहले पीजे कुरियन थे और अब है हरिवंश नारायण सिंह। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा बताएं, और ऐसा और बनाएंगे आगे। धन्यवाद।